जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है एमपीजी के क्वेश्चन सीरीज का। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों से क्वेश्चन है कि हवाई यात्राएँ जो होती है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही है ना। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एक है ऑप्शन खजुराहो, दूसरा पन्ना, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर पांच जो हैं एयरपोर्ट हैं वो सक्रिय हैं। एक इंदौर है देवी अहिल्या एयरपोर्ट, दूसरा भोपाल में है राजा भोज एयरपोर्ट, तीसरा ग्वालियर में है, चौथा जबलपुर में है जिसका नाम पहले डूमना था, अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम, इसके दुर्गावती के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, और एक है खजुराहो में, है ना, खजुराहो टूरिस्ट प्लेस है। तो जो चौथी जगह बची है वो है पन्ना। पन्ना में नहीं है, ऑप्शन में पूछा था कौन सा एयरपोर्ट या हवाई अड्डा नहीं है, तो पन्ना नहीं है। वहाँ पर हवाई पट्टी बनी हुई है लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से एक हवाई अड्डा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पन्ना, है ना, कौन सा क्रियाशील नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश का जो पन्ना हवाई अड्डा है वह क्रियाशील नहीं है। इसका रनवे जो है अनपैक्ड है और इसकी प्रणाली भी अभी यांत्रिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पांच हवाई अड्डे हैं जिसमें से खजुराहो है, दूसरा ग्वालियर है, तीसरा भोपाल, चौथा इंदौर और पाँचवा जबलपुर है। तो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर में है, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है, है ना, डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में है और खजुराहो में भी है। तो इस तरह से एरोड्रम हवाई अड्डे का नाम है खजुराहो के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ना, तो विधानसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है क्योंकि एक विधायिका का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन भी जो है एमपी के परिदृश्य में पूछा जा रहा है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे कौन थे, ये पहले व्यक्ति थे जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, पहले व्यक्ति थे। अब इन तीन, ये पहले ऑप्शन तो डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया, आपको तीन ऑप्शन में से देखना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि जो 2014 से 18 तक थे डॉक्टर सीतारमण शर्मा जो थे, सीताशरण शर्मा, ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री गिरीश गौतम जी हैं। अगर पूछा जाए क्रम में तो सीताशरण शर्मा जी के बाद एक नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ये भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश गौतम जी हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनते हैं वो, जो विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो अपने आपस में से एक सदस्य को जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। परिपाटी के अनुसार जो लोक बहुमत प्राप्त सरकार होती है, बहुमत प्राप्त दल होता है, वो अपने दल से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चयन करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो बता दिया हमने, पंडित कुंजीलाल दुबे हैं 1956 से 1967 तक। 13वें हैं ईश्वरलाल रोहाणी जी 2003 से 2009, 2009 से 2013 तक हैं। और 14वें जो हैं वो है सीताशरण शर्मा जो कि 2014 से 2019 तक हैं। वर्तमान में श्री राजेंद्र सिंह चौधरी विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, ना, उपाध्यक्ष नहीं, अगर अध्यक्ष की बात करें तो हमने पढ़ लिया है श्री गिरीश गौतम जी जो हैं वो वर्तमान अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि 25 सितंबर से जो है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है वो चालू की जा रही है विन आईएएस के द्वारा, अनुभवी टीम के द्वारा। इसके अलावा टॉपर्स का मार्गदर्शन रहेगा, जो डाउट क्लासेस है वो रहेगी। इसमें एक तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहेगी आपको, इसके अलावा लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है जो कि दिसंबर 2023 तक रहेगी। चूँकि आपके लिए मौका है, अभी वर्तमान में जो 2023 की प्री आ ही रही है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो है 2024 की प्री भी आएगी क्योंकि कैलेंडर जो है आयोग ने डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें सीरियस होकर तैयारी करना चाहिए। अब जो तैयारी है उसके लिए आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप संस्थान से जुड़ें और अपनी तैयारी जो है उसको मजबूत करें, कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन में आगे बढ़ें। जो हम फैकल्टी है उसमें भूपेंद्र सर हैं जो कि राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, निधि मैडम हैं जो कि विज्ञान और पर्यावरण पढ़ाएगी, अमित सर हैं जो कि भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, मैं खुद मध्य प्रदेश इतिहास और संस्कृति पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, नहीं रहे, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि नहीं है।
मतलब इसमें से तीन व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो मात्र नहीं रहे हैं। तो बलराम जाखड़ साहब बिल्कुल रहे हैं, क्यों ये हमको क्यों पता है, क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इनको कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, इस कारण से हमें इनका याद है। अगला आता है श्री रामेश्वर ठाकुर जी, बिल्कुल ये भी रहे थे रामेश्वर ठाकुर साहब, इनके अलावा उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रहे थे, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर भाई महावीर, भाई महावीर और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिनका जन्म भारत से बाहर लाहौर इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो अगर तीन हमको पता था तो एक नहीं पता था, वो ही हैं डॉक्टर न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। अब चूंकि विधायिका से क्वेश्चन पूछने लग गया है तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से राज्यपाल रहे हैं कौन से नहीं रहे हैं। पिछले उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन से राज्यपाल किसी और राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, तो रामप्रसाद गुप्ता और राम नरेश यादव जी का उसमें नाम था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आजकल इस तरह से पूछे जाते हैं, तो कम से कम हमें जो राज्यपाल हैं उनकी हिस्ट्री भी याद हो कि ये किसी और राज्य के राज्यपाल रहे थे या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे क्या, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन है, वी पट्टाभी सीतारामैया, है ना, प्रथम राज्यपाल हैं। द्वितीय राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर जी हैं, ठीक है। 20वें राज्यपाल रहे हैं डॉक्टर भाई महावीर, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है, लाहौर में, भारत से बाहर एकमात्र हैं। 23वें कौन है, बलराम जाखड़ जी हैं, बलराम जाखड़ जी इसके अलावा गुजरात के भी राज्यपाल रहे थे, इसके अलावा ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष रहे थे ये। 24वें जो है रामेश्वर ठाकुर साहब है, ये हमारे यहाँ उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे मध्य प्रदेश के अलावा, तो इस तरह से इनसे रिलेटेड जो भी और फैक्ट होते हैं वो हमें याद होना चाहिए। वर्तमान कौन है, श्री मंगू भाई पटेल, श्री मंगू भाई छगनू भाई पटेल हैं, पर इनका मंगू भाई पटेल नाम है, मंगू भाई पटेल नाम है। इनसे पहले कार्यवाहक थी कौन, श्री आनंदी भाई, आनंदी भाई थी, और अभी वर्तमान में कौन है, मंगू भाई पटेल, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वर्तमान का भी याद होना चाहिए, प्रथम याद होना चाहिए, और कुछ अगर स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, किस राज्य की सीमा नहीं छूती है ना, तो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश से इनमें से कौन सा राज्य है जो नहीं छूता है, तीन राज्य जो है वो छूते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश की अगर हम संरचना पर जाएँ, हमारे दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है, हमारे सीधे पश्चिम में कौन है, गुजरात है, हमारे अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में यहाँ पर कौन है, राजस्थान है, हमारे बात करें उत्तर पूर्व में यहाँ पर कौन है, यूपी है, और हमारे पूर्व में बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो ये पांच स्टेट जो हैं ये हमारी सीमाओं को घेर रहे हैं, जो एक स्टेट बचेगा वो नहीं है। तो राजस्थान बिल्कुल है हमारी, कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, लगभग राजस्थान से हमारे 9 या 10 जिले जो हैं वो टच कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात है, गुजरात से हमारे 6 जिले टच कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड, झारखंड हमारे इसमें नहीं आता है, ठीक है। अगला आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी है हमसे, और लगभग 10 जिले जो भी है इससे, 10 या 12 जिले जो भी है इससे भी टच कर रहे हैं। महाराष्ट्र से 6 जिले हैं, गुजरात से 2 जिले हैं, राजस्थान से 10 जिले हैं, 10 या 13 जिले हैं ऐसे कुछ है, 13 या 15 है ना। यूपी और राजस्थान के लगभग जिले ज़्यादा हैं, बाकी लोगों के कम हैं। ठीक है, इसके आंसर पर आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, अर्थात मध्य प्रदेश के झारखंड राज्य की जो सीमा है वो नहीं छूती है ना। तो झारखंड चूंकि बिहार से अलग होकर बना था, तो बिहार और वो इधर है झारखंड, तो लगभग छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से टच करता है, मध्य प्रदेश को संपर्क नहीं करता है, ठीक है। अगला आता है, औद्योगिक केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना, तो ये बानमोर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। जिलेवार आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, चूँकि प्रत्येक जिले का एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है, उस औद्योगिक क्षेत्र के कारण वो फेमस होता है। तो ये जो बानमोर औद्योगिक क्षेत्र है, बानमोर में मोर लग रहा है, तो ये है मुरैना का, है ना, इस टिक से भी याद कर सकते हैं। भिंड का कौन सा है, तो भिंड का है मालनपुर, मालनपुर कहाँ का है, भिंड का है। गुना का कौन सा है, तो गुना का है चैनपुरा। तो एक जो चैप्टर है पूरा कि भाई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, वो हमको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, हर जिले के हर जो उसके हैं वो हमको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ किसका इम्पोर्टेंट जो है औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से एक आध क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, है ना। जैसे अगर बात करें पीथमपुर, पीथमपुर धार का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार कहीं ना कहीं ये एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर जो है वो मुरैना जिले का है, मोर मोर से हमको मुरैना याद हो गया है ना।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निर्यात उत्कृष्ट शहर कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, कौन कौन से दो शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में, तो ये सीधी बात है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है ये इसके लिए एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं, तो दो ज़िले जो हैं इनको एक्सपोर्ट जोन में बनाया गया है। दो ज़िले कौन से, एक तो इंदौर है, इंदौर के साथ एक है देवास, है ना। अब चूंकि देवास में क्या है, तो देवास में फार्मास्यूटिकल जो है दवाइयों का बहुत बड़ा मार्केट है बनाया गया है, इस कारण से ही है। इंदौर में क्या है, तो इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है ही सही, और मध्य प्रदेश की चूंकि औद्योगिक राजधानी है, ये मिनी बॉम्बे है, इस कारण से चूंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों जगह क्या हमने बनाई है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी दी हुई है, उपलब्ध कराई हुई है, यहाँ से जो है कहीं भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा देवास और इंदौर। सागर, रतलाम, रीवा, सतना, गुना, शिवपुरी, चूंकि ये इतने विकसित क्षेत्र नहीं है देवास और इंदौर की तुलना में, इस कारण जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी है हमने इन शहरों में, मेट्रो शहरों में दी हुई है। ठीक है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर शामिल है। देवास में फार्मास्यूटिकल्स के लिए तथा इंदौर जो सोयाबीन मील और सोया उत्पादों के लिए, है ना, कपड़ा मील है और सोया उत्पादों के लिए जो है उत्कृष्ट शहर इसको बनाया गया है ना। तो सबसे ज़्यादा मीलें जो हैं वो इंदौर में है, चूँकि मालवा कपास उत्पादन के लिए फेमस है, काली मिट्टी के लिए, इस कारण यहाँ जो कपड़ा मील जो है उनका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें आती है मालवा मील और कल्याण मील जो बहुत फेमस मीलें हैं, है ना, तो कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया है। इसके अलावा सोयाबीन उत्पादन में प्रसिद्ध है ही सही, सोया राज्य मध्य प्रदेश को बोलते हैं, तो सोया उत्पादन जो है, सोया उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सोयाबीन की बड़ी है, सोयाबीन का दूध है, सोयाबीन का मक्खन है, पनीर है, इस टाइप की चीज़ें जो बन रही हैं, तो इनके निर्यात के लिए यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का वित्त निगम है, इसकी स्थापना 1955 में 1955 में की गई थी, है ना, कहाँ पर स्थित है ये। तो जो अधिकतर संस्थान हैं मध्य प्रदेश के वो मध्य प्रदेश की राजधानी में है, लेकिन जो वित्त निगम है इसकी स्थापना इंदौर में की गई है ना। चूंकि ये क्वेश्चन पूछने का कारण यही है कि वित्त निगम जो है भोपाल की जगह दूसरी जगह है, इस कारण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर आएगा इंदौर। इंदौर में 1955 में वित्त निगम की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनको जो है ऋण की जो भी आवश्यकता है ना उनकी, या जो भी वित्तीय आवश्यकता है, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इंदौर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके 20 अन्य कार्यालय हैं ना, तो इसके बहुत सारे संस्थान हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। इनका मुख्य कार्य उद्योगों को बढ़ावा देना है, उनकी वित्तीय आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे, है ना, किस स्थान के जमींदार थे। तो चूंकि बुंदेला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है ना, 1857 की क्रांति से पहले बुंदेला विद्रोह फेमस हो गया था। अब बुंदेला विद्रोह करने वाले जो है, एक त्रिगुट का निर्माण किया गया था, इसमें एक व्यक्ति थे मधुकर शाह, एक व्यक्ति थे हृदय शाह, एक व्यक्ति थे, एक अन्य व्यक्ति इनके साथ थे, एक हृदय शाह थे, एक मधुकर शाह थे और एक अन्य व्यक्ति थे। तो जो हृदय शाह थे वो हीरापुर के शासक थे और ये नारहट के शासक थे। अब इनका नाम मैं स्किप कर गया हूँ। तो ये तीन शासक जो थे, इन तीनों शासकों ने एक गुट का निर्माण किया गया था जिसको बोलते थे त्रिगुट। बुंदेला विद्रोह में ये त्रिगुट का निर्माण किया गया था और इस त्रिगुट ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपनी गतिविधियाँ चलाई गई थी और जो उनकी योजनाएं थी या जो उनकी आर्थिक नीतियां थी उनका विरोध इन्होंने किया था। हीरापुर के राजा हृदय शाह बुंदेला विद्रोह 1842 के प्रमुख नायक थे। इस विद्रोह में सरकार के विरुद्ध विद्रोह था, तो जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, अंग्रेजी सरकार चल रही थी, उनकी वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के विरुद्ध ये शासन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था। ठीक है, तो ये जो है बलिदान व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अपना अपना बलिदान दिया था। चूंकि 1857 की क्रांति जो थी वो टुकड़े बट्टों में हुई थी ना, तो झांसी में अलग विद्रोह हो रहा था, सागर में अलग विद्रोह हो रहा है, ठीक है, इसी समय ग्वालियर में अलग विद्रोह हो रहा है, भोपाल में अलग विद्रोह हो रहा है, इसके अलावा बात करें हम इंदौर में अलग विद्रोह हो रहा है। तो जो विद्रोह करने वाले थे वो व्यक्ति अलग अलग थे, यहाँ अलग अलग शासकों का शासन था, उस शासकों से जो व्यक्ति थे उनमें से अलग अलग शासकों ने, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने जो विद्रोह किया था। अगर हम बात करें भोपाल से, तो भोपाल से विद्रोह करने वाले दो भाई थे, फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ये दो भाइयों ने विद्रोह किया था विदिशा और इस क्षेत्र में, विदिशा भोपाल के क्षेत्र में। शेख रमजान, इन्होंने लगभग सागर से विद्रोह किया था, है ना। अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर से किसने किया था, शहादत खान थे इंदौर से,
ग्वालियर से, ग्वालियर में रानी दुर्गावती और इस टाइप की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ग्वालियर क्षेत्र में, इन्होंने किया था, है ना। सबसे पहले हमारे चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह भी थे, कुंवर चैन सिंह जिनकी समाधि कहाँ पर है, सीहोर में समाधि है। तो ये मुख्य किरदार थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। चूँकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे वीर पुरुष थे, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, उनसे एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। या तो प्रथम, या उस समय शासक कौन था, या उस समय विद्रोहकर्ता कौन था, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के भोपाल गढ़ी में अम्बापाली के जागीरदार के वंशज फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, है ना, ये दो भाई थे या दो थे, इन्होंने विद्रोह किया था। और उस समय जो है एक भोपाल में जो महिला थी उनका, रानी का बेगम का शासन था, उस बेगम के शासनकाल में इन्होंने विद्रोह किया था और बेगम ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवार अकादमी कब स्थापित की गई थी। तो हमने एक इससे पहले भी जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी भी अकादमियाँ हैं उनके हमको जो है स्थान याद होना चाहिए। तो घुड़सवारी अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में की गई थी। ठीक है, तो अकादमियों की जो है वर्ष भर याद हो और बढ़िया है, और कहाँ पर स्थापित की गई हैं या कहाँ पर स्थित हैं, तो ये 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राज्य घुड़सवारी अकादमी 2007 में जो है भोपाल में स्थापित की गई थी। तो अन्य अकादमियाँ जो हैं जैसे तीरंदाजी, हमने उसमें पढ़ा था निशानेबाजी, तीरंदाजी वो जबलपुर में थी। इसके अलावा एथलीट है, मार्शल आर्ट्स की है, वाटर स्पोर्ट्स की है होशंगाबाद में, क्रिकेट की शिवपुरी में है। तो जितनी भी अकादमियाँ हैं वो हमारे पास एक चार्ट जो पूरा बना होना चाहिए किस सन में स्थापना है और किस स्थान पर है, है ना। तो एक क्वेश्चन हमारी स्पोर्ट्स का यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य खेल से संबंधित चार प्रकार के पुरस्कार देता है, वो हमें पता है। कौन सा देता है, जो प्रशिक्षक हैं उनको देता है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार किनको देता है, प्रशिक्षकों को देता है, जो ये पहला पुरस्कार समझ लो। दूसरा पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार देता है, विक्रम पुरस्कार। तीसरा कौन सा है, एकलव्य पुरस्कार, बहुत बढ़िया, जो कि जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है, प्रशिक्षकों को। और वर्तमान में कौन सा दिया जाता है, एक प्रभास जोशी पुरस्कार, ये मलखम के लिए दिया जाता है। तो इनमें से हम देख लेते हैं, तो लक्ष्मण पुरस्कार नहीं है, गंधर्व नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो बचा कौन सा, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, 19 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है। और इसकी राशि कितनी है, 1,00,000 रुपये, पहले 50,000 थी लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1,00,000 रुपये कर दी गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मध्य राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 लेकिन बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 1,00,000 रुपये, है ना। जबकि लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का है, जबकि अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा दिया जाना, है ना। तो अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ का एकलव्य और विक्रम। ठीक है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश में राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है, है ना, दिव्यांग श्रेणी का खिलाड़ी कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछला रिलेटेड है, तो सोनू गोलकर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, है ना, और ये दिव्यांग भी हैं इस कारण से। पूजा वस्त्राकार ये भी एक क्रिकेटर हैं जो कि महिला क्रिकेट टीम में शामिल हैं, लेकिन दिव्यांग नहीं है ये। तो दिव्यांग व्यक्ति जो है हमें पता होना चाहिए कि भैया ये सोनू गोलकर हैं। हर्षिता तोमर भी हमारी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, है ना, शूटिंग की। तो ये तो चूँकि इसमें पूछा गया है कि विक्रम पुरस्कार, तो एक तो विक्रम पुरस्कार, दूसरा दिव्यांग श्रेणी में, तो सोनू गोलकर जो है उनको दिव्यांग श्रेणी में दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जो है हमको पुरस्कार भी पता होना चाहिए। खंडवा के दिव्यांग क्रिकेटर सोनू गोलकर को 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी से सम्मानित किया गया है ना। तो ये खंडवा जिले के हैं सोनू गोलकर, और क्रिकेट से संबंधित है, और 2018 में इनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुस्कान किरार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से। अब अगर आप करंट से पढ़ते हैं, करंट से संबंधित होते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं मुस्कान किरार का नाम पढ़ा होगा। ये तीरंदाजी की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हुआ है और अवार्ड जीते हुए हैं, इसके कारण इनको तीरंदाजी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, इनको विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जबलपुर की है मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी खेल से है। 2018 में एकलव्य पुरस्कार से मुस्कान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन अभी तुरंत आ गए हैं, जिसमें 2018 के एकलव्य और विक्रम पुरस्कार से दो क्वेश्चन आ गए। एक सोनू गोलकर का आ गया है और दूसरा
तीरंदाजी के लिए मुस्कान किरार कहा गया है। तो दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही चैप्टर से आ गए, एक ही पेज से आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 में फ्रांस में जाकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब चूंकि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का एक चैप्टर है, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में जो है ये कहीं ना कहीं ये जो नाम है आपको देखने को मिल जाएंगे। उन प्रसिद्ध व्यक्तित्व में एक चित्रकार है, उनका नाम है सैयद हैदर राजा, है ना। कौन है? सैयद हैदर राजा। तो सैयद हैदर राजा वो व्यक्ति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, 1950 में फ्रांस में चले गए थे और 2016 में जो है इनका देहावसान कहाँ पर हो गया? नई दिल्ली में हो गया। अब चूंकि क्या होता है कि जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व का चैप्टर है उनमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन ये व्यक्ति ये ऐसा ऐसा संबंधित है, इनमें से अगर आपको एक भी टच हो जाता है तो फिर आप उसको लगा सकते हैं कि भैया सैयद हैदर राजा हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है तो हम उसको ऑप्शन पर लगा देंगे, ठीक है। सैयद हैदर राजा का जन्म मध्य प्रदेश के बाबरिया नरसिंहपुर जिले में हुआ था, नरसिंहपुर में बाबरिया नामक स्थान पर 1922 में हुआ था। वह विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका सौराष्ट्र नामक एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, सृजनात्मक चित्र 16.42 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था, है ना। तो बहुत प्रसिद्ध और बड़े चित्रकार थे और इनका निधन भी हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दो क्वेश्चन आ गए हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित था, छिंदवाड़ा में स्थापना हुई थी लेकिन भोपाल में स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आ गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में स्थापित है। अब चूंकि इस क्वेश्चन को उन्होंने पृष्ठभूमि किस तरह से बनाई है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला, तो आपका एक तीन नंबर में भी ये आंसर हो सकता है कि अगर आपको पूछ लिया जाए डायरेक्ट इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये भोपाल में स्थित है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाता है ये। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा मतलब ये समझ लीजिए मानव का जो विकास का क्रम है, मतलब सभ्यता आदि मानव काल से किस तरह से क्रम इसका विकास हुआ है, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस और इस तरह से, और जो मानव बना है ये आधुनिक मानव बना है उसके बारे में बताया गया है। इसमें हर चरण के बारे में बताया गया है और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान पर भोपाल में जो है स्थित है ना, बहुत प्रसिद्ध है और एकमात्र है भारत का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है ना, तो भारत का एकमात्र और सबसे बड़ा संग्रहालय इस टाइप से है, है ना। इसमें जो है विकास के जो क्रम है उसको पूरी तरह से दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत का निर्वाचन हो चुका है ना, तो अपन ने राज्य निर्वाचन आयोग हम एक लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 एमपी का है ना ये। 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसके बाद हमने 1 फरवरी 1994 को जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या था कि हमें पंचायत और नगर पालिकाएँ जो है उनका चुनाव कराना है, पंचायत व नगर पालिकाओं को चुनाव कराना है। चूँकि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उससे पहले पाँच बार जो है चुनाव कराए जा चुके थे, और जो छह ये क्वेश्चन लगभग 2018 के आसपास का है तो उस समय 5 बार जो है चुनाव कराए जा चुके थे। इसका सही उत्तर है 5 बार, लेकिन वर्तमान में जो 2020 में चुनाव होने वाले थे वो बढ़कर 2022 में हुए हैं, और 2022 में चूंकि ये चुनाव हो चुके हैं तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अब क्या आंसर आएगा? 6 बार। तो वर्तमान में जो है 6 बार जो है पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने करा दिए हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन है? बसंत प्रताप सिंह, है ना, बसंत प्रताप सिंह जो है अभी प्रमुख है, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ था, 1 फरवरी 1994 को। वर्ष 1994 से 2015 तक 5 बार जो है पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं, 94 में हुआ था, 99 में हुआ, 2004 में, 2009 में और 2014 में, है ना। नेक्स्ट जो होने वाला था 2020 में होने वाला था लेकिन चूंकि कोविड के कारण ये हुआ नहीं तो ये 2022 में जाके संपन्न हुआ और 2022 में चुनाव हो चुका था। तो अब ये 6ठी बार जो हुआ है वो 2022 में हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।